विनू भाई के डायरेक्शन में पहली बार काम किया ये एक्टर, तो एज एन एक्टर मैं इनको जानता था, एज डायरेक्टर मेरा पहला अनुभव रहा, बहुत शानदार अनुभव रहा। खासकर जब एक एक्टर डायरेक्टर बनता है तो उसको एक्टर की प्रॉब्लम्स पता होती है, उसकी खूबियाँ पता होती हैं, उसकी खामियाँ पता होती हैं। तो इन्होंने उस तरीके से बहुत अच्छे से एज एन एक्टर यूज़ किया सारे एक्टरों को, नॉट ओनली मी, सारे एक्टर्स को बहुत प्रॉपर यूज़ किया इस फिल्म में, क्योंकि खुद एक्टर इसलिए इनकी सबको परफॉर्मेंस को प्रॉपर निकलवाया है। और हार्ड कोर विलन नहीं कह सकता मैं इसमें, एक मजबूत किरदार हूँ मैं इसमें। एक एक्टर की ग्रोथ जब होती है तो डायरेक्टर पे ही जाके खत्म होती है। हम कहते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, एक्टर ग्रो करता है तो वो उसकी लास्ट, उसकी हाइट डायरेक्टर है। और इतिहास गवाह है कि एक एक्टर जब डायरेक्टर बनता है तो बहुत अच्छा डायरेक्टर बनता है, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस की पकड़ बहुत अच्छी होती है। आप इंडस्ट्री में इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो राज कपूर साहब हो, गुरुदत्त हो, या फिरोज खान हो, मनोज कुमार हो, इन लोगों ने ऐतिहासिक फिल्में बनाई हैं। कमला हसन है तो होपफुली अगर मौका मिले, अभी नहीं मिला, तब आएगा तो शायद करूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा सर, जब ये हमारे साथ है, ये पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन बना, चाहते हम दोनों बहुत दूर से थे, हो नहीं पा रहा था लेकिन इसमें संजोग बना है। और सच में इनका किरदार जो है बिल्कुल हार्ड कोर विलन नहीं है, एक मजबूत पिता है जो अपने बेटी से प्यार करता है, और उसके खुशी के लिए जो भी निर्णय लेता है वो आप फिल्म में देखें। पिता का हक होता है कि अपनी बेटी, बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही समझदार करेक्टर है। और हमारे संजय जी ने बहुत अच्छा प्ले किया उसको, काफ़ी तारीफ होती है जब भी हम स्क्रीनिंग इसकी जब देखते हैं। और सबसे एक बड़ी बात है, संजय भैया रंगमंच से हैं, और रंगमंच में इन्होंने एक नहीं बल्कि अनेक प्ले मेरे हिसाब से काफ़ी प्ले डायरेक्ट किया है, तो मेरा भी बैकग्राउंड रंगमंच से रहा है, तो एक रंगमंच वाली जो हम लोग भाईचारा है ट्यूनिंग मिल जाती है, वो जो मिल जाती है। तो बहुत सारे सीन ऐसे थे जो हम लोगों ने बिल्कुल इम्प्रोवाइज किया, भैया ऐसा ही करते हैं, सबको भूल जाते हैं, कंटेंट ये इसमें खेलते हैं, तो जो वो खेल हुआ है वो बहुत शानदार है, देखने लायक है। मेरी बिटिया तो मेरी जान है, और खासकर बेटी के होने के बाद से मैं इन किरदारों को ज़्यादा बेहतर समझ पाता हूँ पिता के। भाई के किरदार को तो समझ पाता था, उनकी बहनें थी मेरी, है दो बहनें छोटी मुझसे, मगर बाप बेटी की केमिस्ट्री को मैं शायद पिता बनने के बाद बेहतर समझ पाया। आज कह सकते हैं कि मेरी बेटी में भी मेरी जान बसती है, और उसकी फीलिंग्स को मैं समझता हूँ, उसका जो ख्याल रखना है, क्या वो चाहती है, उसकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी है। तो उसी तरीके से इस किरदार में भी है कि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, तो इस किरदार को समझने में मुझे आसानी इसलिए हुई क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी एक बेटी का पिता हूँ, तो ये सहयोग मुझे मेरे रियल लाइफ से रियल लाइफ में मिला। कहूँगा कि पहली फिल्म के हिसाब से बहुत बेहतर काम है उनका, ऐसा होता है नई फिल्म में हम बहुत सारे एक्टरों के साथ काम करते हैं लेकिन वो उस तरीके से सुर में नहीं होते। और निराला की खुशकिस्मती है कि उन्हें एक एक्टर डायरेक्टर मिला, तो परफॉर्मेंस तो इन्होंने निकलवाया है, और मुझे लगता है कि जो चाहिए था उस फिल्म में एज अ न्यू कमर वो निराला ने दिया, बहुत अच्छा बनता, मतलब समझ गए कि वो एक कच्चे मिट्टी की तरह थे, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी आकृति दी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे निराला के साथ, निराला जी के साथ जो भी एक्टर सपोर्टिंग एक्टर थे बड़े मजबूत पिलर थे, संजय भैया हो गए, प्रकाश जैस हो गए, और सोनिया जी हो गई, रितु पांडे जी हो गई, और रिचा जो हमारे फिल्म की अभिनेत्री है वो खुद भी एक थिएटर आर्टिस्ट है और भारतीय नाट्य अकादमी से है, वो तो काफ़ी मजबूत एक्ट्रेस है। तो सबका मिला जुला सपोर्ट ऐसा रहा कि सेट का माहौल ही इतना खुशनुमा होता था कि बेहतर परफॉर्मेंस करना सबकी मजबूरी थी, सबको अच्छा ही करना ये था। बिल्कुल, मैं तो मेरे घर में भी गणपति रखे जाते हैं, अभी 2 साल से नहीं रखा,
तमाम दर्शकों को भोजपुरी देखते हैं, भोजपुरी सुनते हैं, हमारी ऑडियंस जो हमारी फिल्मों को पसंद करती है, हम सबको पसंद करती है, उन सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त। जी हाँ, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि नए कलाकारों के साथ काम करना जहाँ कठिन है वहाँ एक तरीके से बोला जाए आसान भी है, क्योंकि जो नया कलाकार होता है वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, तो आप कच्चा मिट्टी है या यूँ कहें कि पानी की तरह होता है, तो पानी को जैसे बर्तन में डालेंगे वो वैसी आकृति ले लेता है। कच्ची मिट्टी को आप जिस आकार में मतलब गढ़ना चाहें वैसी आकृति आप दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से नया कलाकार जो फ्रेश कलाकार है उसमें वो गुण होते हैं, उसको हम जैसा आकार देना चाहें, जैसी आकृति देना चाहें वैसा हम दे सकते हैं। वैसा ही हमारे हर्षवर्धन निराला जी के साथ काम करने का अनुभव रहा कि बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे अभिनय से, कैमरा को कैसे लुक देते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चला जाता है, तो ये मेरे लिए एकदम कच्ची मिट्टी की तरह थे। तो मैं अपने मन मर्जी के हिसाब से इनको आकृति देना चाहता था और वैसा देने में मैं काफ़ी हद तक सफल रहा, क्योंकि इन्होंने अपना जितना एफर्ट था उन्होंने लगाया। मैं जैसा कहता था वैसे ये संवाद बोलते थे, मैं जिधर बोलता था नहीं आपको इस तरीके से देखना है वैसा देखते थे, आपको ये मतलब मूवमेंट करना है, आपका ये बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए या प्रॉपर्टीज़ को ऐसे इस्तेमाल करना है, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने बखूबी निभाया और मेरे लिए ये क्या एकदम ये आसान है। इन्होंने जो एफर्ट लगाया वही मेरे लिए सबसे विशेष था और मुझे अपने नए कलाकार हर्षवर्धन जी के साथ काम करके बहुत ही सुखद लगा। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और मुझे इनके साथ काम कर करके बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ सीखने को मिला और मुझे अच्छे तरीके से इन्होंने मतलब बहुत सपोर्ट किया है और हर जितने भी हमारे पिक्चर के टीम थे सभी का सपोर्ट रहा है मेरे पे और सभी बेखूबी से साथ निभाया है, सब मन लगा के काम किए हैं और सर का मतलब क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है मतलब। ये हमारा ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा एक तालमेल रहा, जब मैं ये कैमरे के सामने होते थे मैं कैमरे के पीछे रहता था, तो वहाँ तो मैं डायरेक्टर होता था और ये एक्टर होते थे, लेकिन हम लोग जब कैमरे के पीछे रहते थे तो ठीक एक बड़े भाई और छोटे भाई की तरह भूमिका निभाते थे, तो हमारी केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी रही, जिसका आप रिजल्ट हमारे फिल्म जानू मेरी जान में देख सकेंगे। हाँ हाँ पड़ी है ना, एक सीन था तो मैं बार बार कोशिश कर रहा था उस चीज़ को करने के लिए लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, तो एक गुरु के नाते इन्होंने मुझे डांटा फटकारा, मार भी मैंने खाई है, तो जब तक एक स्टूडेंट अगर अपने टीचर से मार नहीं खाएंगे तो वो चीज़ सीख नहीं पाएंगे, तो जब तक अगर ये मुझे डांटते नहीं तो शायद वो मैं नहीं कर पाता, अगर मुझे वो रपात नहीं लगती तो मैं वो चीज़ नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने मुझे डांटा फटकारा तो जा करके मैं वो चीज़ कर पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली वो मारना नहीं होता है, एक्चुअली डांटना भी क्या कहते हैं वो होता है माहौल वैसा होता है, एक आर्टिस्ट जब समझ नहीं पाता है जैसे स्टूडेंट होते हैं तो कभी कभी एक्टरों से काम निकालने के लिए थोड़ा सा रूड होना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर का डर कह लीजिए या जो कह लीजिए, तो वो जो हमें चीज़ चाहिए होता वो निकल के आ जाता है, तो जब एक डायरेक्टर को उसकी चीज़ मिल जाती तो खुश होता है। और रही बात कई जगह बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से काम लिया जाता है, वो हमने हर्षवर्धन निराला से लिया, मैंने एक ही टिप्स दिया था इनको कि आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपको जो डायलॉग्स दिए जाए उसको आप बखूबी याद कर लीजिएगा, तो ये इस मामले में बिल्कुल खड़े थे कि जो भी हमारे फिल्म का डायलॉग जो सीन होता था वो ये याद कर लेते थे, तो मुझे ये समझाने में सुविधा होती थी कि ये डायलॉग को किस तरीके से बोला है। और कई बार हम ऐसे सीन भी करते थे जहाँ डायलॉग्स नहीं होते थे और हम लोग तुरंत इमीडिएट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किए, तो वो मैं उनको वहीं बता देता था और उसको ये बोलने में सफल हो जाते थे। इस तरीके से तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जिस तरीके का अभिनय किया है, जो एक नेचुरल परफॉर्मेंस
आपको लगेगा नहीं कि ये अभिनय कर रहे हैं। जो आजकल हमारे बॉलीवुड सिनेमाज में भी आप देखेंगे कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो पूरी एकदम नेचुरल और रियल परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब नेचुरल एक्टिंग की तरफ जो सबका रुझान बढ़ा है और दर्शक भी रियल और नेचुरल एक्टिंग करना पसंद करते हैं, एक्टरों को देखना नेचुरल एक्टिंग में, वो चीज़ मुझे मिला इनसे। इन्होंने एकदम रियल एकदम नेचुरल परफॉर्म किया है और आपको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच एक उम्दा कलाकार इस इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहा है। जानू विज्ञान के माध्यम से हमारे हर्षवर्धन। आप कुछ अभी तक तो उनका था कि वो आएंगे, लेकिन वो क्या आज शूट की वजह से उनका कुछ शूटिंग चल रही है और वो फिल्म सिटी में व्यस्त हैं, हो सकता है कि आ जाएंगे, और नहीं आ पाएंगे तो बस ये होगा कि वो काम में व्यस्त हैं, तो हम फिर कभी उनका एक इंटरव्यू हम आपको समक्ष करवा देंगे। वही है बाकी सब आप लोगों का सपोर्ट। फिल्म की रिलीज जो है अक्टूबर एंड में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म सेंसर के लिए अप्लाई हो चुकी है और बहुत जल्द हमारा सेंसर हो गया, हमारे पास आ जाएगा। फिल्म अक्टूबर एंड में प्लानिंग है कि इसको जो एक अच्छा समय है हम लोगों को मिले तो हम उस पीरियड में फिल्म को रिलीज करना चाहेंगे। साथ ये हमारी फिल्म देखने जरूर जा सकते हैं, मतलब पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। अरे भाई बहुत अच्छी फिल्म बनी है, साफ सुथरी है, तो मैं बस आप लोग से ये दुआ चाहूँगी कि आप हमारी फिल्म को आशीर्वाद और प्यार अपना दीजिए, अच्छी जाए। और बस आप इस फिल्म में की क्या है? इस फिल्म में मैं माँ हीरोइन जो हमारी है ऋचा जी, उनकी माँ का कैरेक्टर है। अरे नहीं नहीं लग रही हूँ इसमें हीरोइन की माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं संजय पांडे जी बने हैं, तो इसमें मेरा एक मतलब सीधी सादी माँ, वो जो मतलब मेरे पति थोड़े से क्रूर टाइप में है तो मैं सीधी सादी माँ हूँ, मतलब डरती हूँ उनसे और अपनी सीधी होती है। और अपनी बेटी को मैं सपोर्ट करती हूँ, ऐसा है मेरा कैरेक्टर। नहीं नहीं मैं इसमें मेरा पहली बार मैंने मतलब मोहम्मद मुसलमान का कैरेक्टर किया जो मुझे बहुत ही मज़ा आया फिल्म में। और इसमें मैं अपना हीरो जो है वो निराला जी, उनका मतलब वेल विशेष बोलते हैं वो मैं बनूँ, शुभ चिंतन शुद्ध हिंदी में शुभ चिंतन, और बहुत ही मज़ा आया काम करके। मैं सबसे ज़्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा बेलू जी का, विश्व मित्र बेलू जी का, उन्होंने ऐसा स्क्रिप्ट लिया कि उन्होंने एक ही लाइन बोला कि मैं ये फिल्म करनी है और मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूँ कि मतलब उन्होंने तो मेरी कहानी बताई, मेरा सीन बताया है, तो मैं बोला यार मैं करूँगा। बेलू जी के साथ मैं पहले भी फिल्म कर चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा बलमा बिहार वाला, जिसमें मैं गिरधारी मामा का रोल किया, वो फिल्म में बेलू जी डायरेक्टर थे और उसमें मैं बहुत फ्रॉडबाज बना हूँ, इसमें फ्रॉडबाज नहीं हूँ, इसमें बहुत ही अच्छा दोस्त बना हूँ और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। गाने भी मैंने कोरियोग्राफ किए, इसमें मैं डांस मास्टर भी मैं ही स्कूल का, निराला जी थोड़ा डांस में हाथ उठकर कमज़ोर है मगर फिर भी हमने नचा लिया उनको, क्योंकि अगर सब हीरो नाचना आ जाए सबको तो हमारी दुकान बहुत ही रहेगा। अरे हाँ रिचा 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 मैं सारे हीरो के साथ काम कर चुका हूँ इंडस्ट्री में करीब करीब, और रिचा के साथ काम करके मुझे इतना खुशी हुई, इतनी कोऑपरेटिव आर्टिस्ट है वो। और मैंने जब फिल्म में डबिंग कर रहा था तो मैं डबिंग करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए, यार क्या परफॉर्म किया रिचा ने, निराला जी बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। आप लोग ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसी फिल्में बननी चाहिए, कोई वल्गैरिटी नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं कि हम शर्मिंदा हो सके बताते हुए कि अपनी फैमिली को जाकर देखने वाले हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, एकदम बैठ के आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। और हाँ अब ये शुरुआत हो चुकी है, ये पब्लिक को अच्छी फिल्म ही देनी है, क्योंकि पब्लिक को फिल्म समझ में आने लगी है, कुछ भी करके हम फिल्म को हिट नहीं करा सकते, फैमिली ड्रामा इमोशन एक्शन कॉमेडी गाने अच्छे देने पड़ेंगे तब जाके फिल्म हिट होगी, और वो सारा पैकेज इस फिल्म में है। आप तो दीजिए पहले मात्रा नहीं पहले आप मैं शुभ करने की चीज़ कर सकती हूँ। अरे हाँ हाँ यार अरे नहीं नहीं जिस
देवता की पूजा मतलब हर देवताओं के पहले होती है गणेश चतुर्थी। उस गणेश चतुर्थी की सब लोगों को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबका जीवन स्वस्थ हो, सब हमको पहले भगवान पैसा दे फिर आप लोगों को दें, ऐसा मेरी मनोकामना है। तो सबको दिल से सुनिए, मेरी तरफ से भी गणेश उत्सव की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। मैं सबसे पहले तो रउआ लोग के हम जरूरी कहब, हम मिथिलेश भैया आज इस प्रांगण में बैठे हुए हैं जानू मेरी जान, जिसका आज ट्रेलर लॉन्चिंग है। मुझे बेहद बहुत खुशी है कि बेलू जी ने एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर के बतौर अपनी खूबसूरती उसमें दिखाई है फिल्म में, जो कि जानू मेरी जान, और हर्ष जो इसमें हीरो एज ए डेब्यू लॉन्च हो रहा है, और ऋचा दीक्षित इसमें हीरोइन, संजय पांडे और प्रकाश जैस इत्यादि, सोनिया जी और बहुत सारे कलाकार जो कि हमारी इंडस्ट्री के अच्छे मजे हुए कलाकार हैं, जो इस फिल्म में जानू मेरी जान में बेहतरीन कलाओं के साथ लोगों के बीच में आएंगे, और एक अच्छी लव स्टोरी फिल्म है जहां तक मैं जानता हूं, और अभी ट्रेलर भी देखूंगा जितनी मैंने तारीफ सुनी है। बाकी मिथिलेश भैया बताएंगे इस फिल्म के बारे में। जानू मेरी जान जैसा कि टाइटल है फिल्म का, रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म है, और मुझे लगता है कि ऐसे स्क्रिप्ट बहुत कम ही भोजपुरी सिनेमा में बनाया जा चुका है, रोमांटिक लव स्टोरी आज के दौर में नए कलाकारों को लेकर। बड़ा ही उम्दा किस्म का फिल्म बना है ये, खासकर की कहानी बड़ी अच्छी है, निर्देशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और मिला जुला के पब्लिक मसाला भी बढ़िया है, पब्लिक चलती अच्छी। आई होप कि मैं सबसे गुजारिश करूंगा जल्दी सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है, और बहुत जल्दी इन्होंने फिल्म बड़े साइलेंटली तौर पे मुंबई और सिलवासा और दमन कुछ लोकेशन को शूट किया है, बहुत खूबसूरत ढंग से जैसे हमें बेलू सर ने बताया। और बेलू जी के बारे में मैं बता दूँ, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और अभी गए महीने पहले इन्होंने हर हर महादेव, जो कि मैं उसमें हीरो रवि किशन जी हमारे मुद्दा स्टार हूँ, बहुत खूबसूरत रांची के हसी वादियों में उन्होंने शूट किया है। तो मैं बेलू जी के साथ काम करके बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है जानू मेरी जान की पूरी टीम भी बहुत खुश होगी विष्णु शंकर बेलू जी के साथ में काम करके। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा खासकर बेलू जी को भी, और बेलू भैया की मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने लव एक्सप्रेस भी की है, काफ़ी बेहतरीन फिल्म बनाई गई है, और इसमें निराला भाई ने जिस तरह काम किया है काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा काम किया है, एक इमोशनल लव स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है, और बहुत अपने आप को नसीब समझता हूँ कि इस फिल्म में मैं एक किरदार कर रहा हूँ अच्छा खासा, और काफ़ी बेहतरीन फिल्म बनी है। अब ट्रेलर अभी तक मैंने ट्रेलर देखा नहीं, लेकिन ट्रेलर ऑलरेडी मैं देख रखा हूँ, लेकिन यहाँ तक अभी तक देखा नहीं, ट्रेलर भी बहुत अच्छा है और फिल्म तो कमाल की है। इसमें मेरा किरदार जैसे हर फिल्म में होता है विलन काम कर रहा हूँ, और इसमें मैं संजय भैया का राइट हैंड बना हूँ, काफ़ी अच्छा किरदार है, काफ़ी बड़ा रोल था, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था इसमें मेरा, और संजय भैया का राइट हैंड हूँ, हर जगह उनका ऑर्डर मानता रहता हूँ, जो हमारा काम होता है रिसेंटली जितनी फिल्मों में मेरा काम रहा ऐसा ही कुछ रहा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड आज का थोड़ा ग्रोथ में आ गया, लीड भी कर रहा हूँ। नहीं बहुत बेहतरीन और अच्छा लगा, और ज़रूरी भी है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में नए हीरो आना बहुत ज़रूरी है, नई फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और निराला परफेक्ट काम जैसे मैंने उनका देखा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं, और इधर एक्टर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहली बार काम किया उनके साथ में, उनका काम देख कर बहुत अच्छा लगा, इमोशन को एक एक्टर को जो जो होना चाहिए कि एक्टिंग का जो जज्बा है उनके अंदर वो दिखता है। मैं बैलू जी को और निराले जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आप सबसे अपील करता हूँ कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है जानू मेरी जान, जैसा कि भोजपुरी के बारे में आप लोग सुनते हैं कि बलगर के लिए
चुकी हैं, काफ़ी नाम हो चुकी हैं भोजपुरी, तो इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार देखिएगा जरूर। सर आप मरी जान, सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनिल अनल है और मैंने भी इस फिल्म में एक रोल किया है। इसमें मेरा एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का करेक्टर था, भोजपुरी भाषा में वॉचमैन बोलते हैं, बड़ा बेहतरीन करेक्टर है। थोड़ा सा और जोर से बोले, ओके ओके। तो मतलब इसमें मेरा एक सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का करेक्टर है और मैंने अच्छा उनका जो है वैसी है, लेकिन अच्छी तरीके से मैंने अभिनय किया है। और विष्णु शंकर मेनु मेरे बड़े ही अच्छे मित्र हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा बोलते हैं। और जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ विष्णु भगवान की जय। वाकई में विष्णु भगवान की तरह ही उनकी सोच है और समझ है। आज से 10-12 साल पहले जब वो ये एक्टर के रूप में हमारे साथ एक फिल्म हम लोग कर रहे थे बनारस में, तो मुलाकात हुई थी, तो मैंने देखा था कि इनके अंदर एक डायरेक्टर का गुण है। तो मैंने कहा कि आप एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्टर पे फोकस कीजिए और आप एक सफल डायरेक्टर बने। तो आज वो दौड़ आ चुका है और मैं समझता हूँ कि विष्णु भाई के साथ 8-10 फिल्में आ चुकी हैं डायरेक्ट से। और मैंने उनके साथ बलमा बिहार में भी काम किया था, मेरा सारी जैसे शुरू का रोक था। इस फिल्म में मैंने थोड़ा सा किया है, बाकी ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है और फिल्म सुपर हिट हो गई है। थैंक यू सो मच।